जिले से है, जहां रामनवमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसकी अध्यक्षता विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अशोक उपाध्याय ने की। रैली में राम भक्तों हजारों की तादाद में लोग शोभा यात्रा में शामिल थे। सभी ने जय श्री राम के नारों के जयकारे लगाते रहे। रैली जिले के पुरानिया प्रखंड के अशोगी चौक से होते हुए शहर के विभिन्न गलियों में भ्रमण किया। साथ ही जगह जगह रैली में शामिल लोगों के ऊपर पुष्प भी बरसाए एवं उनके साथ जय श्री राम के नारे भी लगाए। रैली के दौरान सड़क के दोनों तरफ लोगों की काफी भीड़ उमड़ी नजर पड़ रही थी। सभी ने जय श्री राम का नारा लगाते रहे। वहीं शहर के मस्जिद के नजदीक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी फूल बरसाए, साथ ही जय श्री राम के नारे भी लगाए। शोभा यात्रा में जगह जगह शामिल सभी लोगों को स्वच्छ शीतल जल पिलाया गया। वहीं गुप्ता प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा रुआब्जा एवं जल पिलाया गया। शोभा यात्रा रैली का समापन शहर के राजलक्ष्मी कैंपस में हुआ, जहां लोगों ने सामूहिक रूप से प्रसाद ग्रहण किया। सज्जन राजशेखर के निर्देश के आलोक में दंडाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारी की जगह जगह प्रतिनियुक्ति की गई थी। अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद इश्तियाक अली अंसारी एवं SDPO संजय कुमार पांडे ने स्वयं शोभा यात्रा की सुरक्षा के कमान संभाले हुए थे। मौके पर विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक राकेश तिवारी, भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव कुमार पांडे, राजलक्ष्मी के निर्देशक देवव्रत नंदन सिंह उर्फ सोनू बाबू, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट रमाकांत प्रसाद गुप्ता, विजय कुमार, जिला परिषद उपाध्यक्ष पार्वती देवी के पति डॉक्टर राम बहादुर गुप्ता, भाजपा जिला उपाध्यक्ष विनय कुमार सिंह, भाजपा युवा जिला उपाध्यक्ष बजरंगी सिंह, संजय गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि राजेश कुमार उर्फ राजू जी, बजरंग दल के जिला संयोजक सुधीर कुमार सिंह सहित हजारों विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण शोभा यात्रा में शामिल थे। BRP न्यूज के लिए शिवहर से संवाददाता नवीन पांडे की रिपोर्ट। शिवहर में निकला था, आज रामनवमी का जन्मोत्सव है, राम जी का जन्मोत्सव है, जोर से और विश्व हिंदू परिषद प्रत्येक प्रखंड में नहीं प्रत्येक गांव में रामनवमी का कार्यक्रम कर रही है। और विश्व हिंदू परिषद के इतिहास में शिवहर जिला में ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है और प्रत्येक हिंदू का धर्म बनता है, प्रत्येक हिंदू ही नहीं भारत में रहने वाले सभी भारतीय का धर्म बनता है कि रामनवमी का कार्यक्रम को रामनवमी को हम लोग हर्षोल्लास से मनाएँ। और इसी कड़ी में शिवहर में भी विश्व हिंदू परिषद जिला इकाई के द्वारा रामनवमी का कार्यक्रम किया गया। कहाँ से कहाँ तक झांकी पूरे जिले में? रामनवमी की झांकी सीतामढ़ी शिवहर का जो बॉर्डर है अशोकी बाजार, अशोकी बाजार से निकल करके विश्व हिंदू परिषद कार्यालय शिवहर में पहुंची और पूरे शिवहर में घूमने के बाद यहाँ पहुंची। और इसमें सभी संप्रदाय के लोगों का सहयोग रहा है और कार्यक्रम को और इस योजना को सफल बना रहा है। और हम सभी विश्व हिंदू परिषद परिवार के लोग कामना करते हैं कि शिवहर में हमेशा शिवहर का वातावरण बना। ये जो आज झांकी निकाला गया है, इसमें बहुत सारे तादाद में लोग थे, कहां से कहां तक यह झांकी निकाला गया और किस उपलक्ष्य में निकाला गया? यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म दिवस है। रामनवमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आज यह झांकी पुरनहिया से प्रारंभ होकर पिपराढ़ी होते हुए शिवहर पूरे नगर का भ्रमण करते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम लोगों के लिए आदर्श के प्रतीक थे, उनके जन्म के उपलक्ष्य में यह झांकी निकाली गई है। खुशी की बात है कि आज हमारे पुरुषोत्तम श्री राम जी के जन्मदिन के अवसर पर झांकी निकाली गई, जो पुरनहिया से पिपराढ़ी होते हुए शिवहर को आई है, जिसमें हिंदू समाज के साथ साथ सौहार्दपूर्ण के साथ मुस्लिम समाज भी फूल बरसाने का काज किया है। इसलिए बहुत बहुत हम लोग मुस्लिम समाज को भी धन्यवाद देते हैं और इसी तरह सौहार्द से हम लोग मिल करके और अपना भारतवर्ष में अखंड भारत बनाने का काज करेंगे। जय हिंद, जय भारत।